हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मेघालय सीरीज। सो स्टार्टेड द ट्रिप। हाउ यू फीलिंग? दोस्त हाय, जानते होंगे दो चार दिन से। नाइस, ऑसम। रास्ता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इन केस अगर मैं नहीं मिलूंगा फिर से तो बाय बाय बोल देना। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे देखने के लिए। ये दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी नीचे जाके देखेंगे कि अगर रास्ता सही है तो मैं इनको कॉल करूँगा, नहीं तो मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। सो लेट्स गो डाउन। हम जा तो रहे हैं नीचे एक विलेज में, वहाँ से डबल डेकर के लिए रास्ता है या नहीं है पता नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर। आवाज़ तो देखो, सुनो। कुछ देर नीचे आने के बाद हमने गूगल मैप पे रास्ता देख लिया है, और ये जो है हमने वॉकवे डाला है, तो ये दिखा रहा है यहाँ से 1.1 किलोमीटर। तो अगर चल के जाएंगे तो यहाँ पे एक विलेज लगेगा, तो वहाँ से हम पहुँच जाएंगे डबल डेकर में। क्या बोलते हो सर, रास्ता है? डबल डेकर है हाँ। नहीं बोल रहा, नहीं वो झरने पे जो 2-3 लोग बैठे हैं ना, उससे आगे निकल गया हूँ मैं। अभी 1 किलोमीटर गूगल मैप पर दिखा रहा है, मैंने नेटवर्क आया एयरटेल का, तो अभी जो है आगे जाके देखता हूँ। इधर पूरा सुनसान लग रहा है। यहाँ पे 2 लोग थे, वो बोल रहे कि उनको किसी ने बोला कि आगे रास्ता नहीं है, बट गूगल मैप पे दिखा रहा है, तो देखता हूँ आगे जाके। ठीक है, हाँ फ़ोन करता हूँ मैं। चलो गाइस, पता नहीं कितना दूर है। लेट्स एक्सप्लोर। 1 किलोमीटर तो चल सकते हैं। मैप पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा था वो भी रॉन्ग रूट है। होली शिट। बट यहाँ पे ना एक वॉकवे दिख रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है, बट लेट्स सी किधर जा रहा है। कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। शूज़ भी स्लिप हो रहा है इसके ऊपर से, क्योंकि कोई आता जाता ही नहीं इस रूट से, ऐसे लग रहा है। यहाँ पे पेड़ कितना सुंदर है भाई। हाँ गाइस, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पूरे घंजार जंगल में एक होम स्टे दिखा रहा है यहाँ पे पीछे मेरे, बट जो स्टे है उसकी हालत देखो। एक काफ़ी पुराना स्टे लग रहा था यहाँ पे। नीचे एक छोटा सा विलेज दिख रहा है, देखते ही उधर जाते। हाउ टू गो डबल डेकर ब्रिज देयर फ्रॉम हेयर? नो रूट। डोंट गो अप, go left, but left I didn't find route. This is the only route I followed here. Hello. This is village board. लेडी ने रास्ता बताया था, अभी यहाँ पे थोड़ा और मैं स्कूल देखने के लिए आया, ये छोटे बच्चों की मस्त वाइब लग रहा है। योर स्कूल नाइस। नाइस टीचर, ब्लैक बोर्ड, अल्फाबेट्स, नाइस स्कूल। आई विल कम टीच हियर। So this is last village. This is last home, right? कौन सा, फुटबॉल और क्रिकेट? बहुत रहा था कौन सा गेम फेवरेट है। नाइस। स्कूल के सामने ने एक पेड़ था, बड़े मस्त फ्रूट थे, पर नाम पता नहीं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर डालना। हाय, यू आर क्यूट, ब्यूटीफुल। योर नेम? शर्मा मोहम्मद, बोलो। मनोहर। मनोहर। एंड योर नेम? आर्मी स्टार। आर्मी स्टार। माय नेम इज दशरथ। व्हाट? दश। हाँ, दश। एंड योर नेम? योर नेम बेबी? हशीदोरा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय। पढ़ाई करना अच्छे से, एकदम दम लगा के। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा दूर आया जंगल में, बट एक छोटा सा विलेज था, वहाँ पे गया, लोगों को मिला, छोटे छोटे बच्चे को। 3-4 ही घर है, but it's beautiful there. Nice. So let's go back to the double decker now. पूरे जंगल में अकेले चलने का एक मज़ा ही और होता है, क्या बोलते हो गाइस? ये ब्रिज दिख रहा है मेरे पीछे। अगर आप यहाँ पे आए हो तो गलत आए हो, वापस चले हो यहाँ से। मुतेंग विलेज का बोर्ड लगा है येलो कलर का, तो यहाँ से जो है, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइड से रास्ता है डबल डेकर के लिए। मैंने बोला था यहाँ तो वहाँ पे जाना है। चलो, डबल डेकर, यहाँ से रास्ता था। डबल डेकर जान निकाल दी, डबल डेकर ने, पता नहीं। यहाँ पे आए हैं, एक चर्च है इधर साइड में। दिस विलेज आई जस्ट विजिटेड, नाउ वी वांट टू गो टू द डबल डेकर। सो वी केम टू द double decker. There is some instructions. Rainbow waterfall 1 hour. रात में हमने यहाँ पे रुकने के लिए सोचा था, तो यहाँ पे रूम के लिए बात कर रहे थे। फाइनली टेंट डिसाइड किया और फिर यहाँ पे एंजॉय करने के लिए चले आए डबल डेकर के वाटर स्ट्रीम पे। तो काफ़ी हेवी है पानी, एकदम ऐसे ज़ोर ज़ोर से आ रहा है पानी। अभी जाते पानी में, चलते। पहले पानी में जाके आया, फिर प्रफुल को लेने के लिए आया था यहाँ पे। आजा भाई, गिरना मत, ठीक है? गिरना मत भाई। यहाँ पे काफी सारा भीड़ था, बट हर एक बंदा अपने में खोया हुआ था। काफी अलग वाइब था, बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पे। भाई जा रहे हैं अभी पहाड़ के नीचे। चलो चलो। प्रफुल को देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले पूरा थक गया था, बट यहाँ पे एकदम पूरा पैसा लग रहा है। पैर को ना मट्टी पूरे। अभी बारिश ख़त्म हुआ था, इसकी वजह से जो पानी था वो ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। सो ये काफ़ी सही माहौल था। सितंबर एंड, मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग का टाइम था ये। हाय, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? आप अपने फ्रेंड से क्या कहोगे? आ जाओ। ऐसी जगह पे बहुत बार ऐसे बारिश काम करने में काफ़ी मज़ा लगता है। अभी हम हैं पानी में और हमारे सामने है, क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या लगता है तुझे क्या होगा हमारे आगे? फॉल है? फॉल तो नहीं है। गेस कर क्या होगा? पेड़? पेड़ तो नहीं है। पौधे? हाँ, पेड़ है, बट और क्या होगा? पेड़ के लिए इतना तो हम इतना एक्साइट नहीं होंगे। पत्थर? पत्थर तो नहीं होंगे, पत्थर के लिए भी इतना एक्साइट नहीं होंगे। क्या होगा बताओ? क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता है? कौन है क्या? कोई पत्थर तो ये है। ओह, पत्थर इसे कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं परिख। परिख? परिश? परिश, हाँ। परिश का मतलब जिसको लगाओगे उसका सोना बन जाएगा। अरे जय हो प्रभु, इसी की तो तलाश थी हमें। हाँ, ये लेके जाओ बेटा घर यार। ठीक है, चलो अभी आगे क्या है देखना नहीं है? हाँ देखना है ना, चलो देखते हैं। देखते हैं। ऐसे गिर गया था यहाँ पे, नहीं गिर गया। चलो एक साइड में आगे जाते तो आगे जाते देखना है। तो देख लीजिए फाइनली क्या है आगे, लिविंग ब्रिज। तो ये पूरा रूट से बना हुआ है, ये पूरा ब्रिज जो है रबर का जो पेड़ रहता है उससे फॉर्म होता है। एक्चुअली इसका जो है 3 साल पहले है ना, मैंने एक फ़ोटो देखा था, उसमें मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे कभी आऊँगा, और आज फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया। आई डोंट नो हाउ योग का शायद था, बट फीलिंग ऑसम। जो पीछे बच्चे मस्ती कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी हमने बहुत मस्ती किया है। क्या बोलते हो सर? अरे मज़ा आ गया वाला। आप भी आना यहाँ पे, मज़ा आएगा। बिल्कुल आना, ठीक है। पानी इतना क्लियर है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। इतना भीड़ है यहाँ पे, बहुत पानी ऐसे क्रिस्टल क्लियर लग रहा था यहाँ पे पूरा। अगर देखोगे आप तो यहाँ पे जो मछलियाँ लग रही है, इतना भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे मछलियाँ आपके पैर को छू रही थी। ये जो है फ्री में, इसे बोलते हैं फुट मसाज। और हम जहाँ पे जाएंगे ना अभी, वहाँ पे और मज़ा आएगा, ठीक है, दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे जो लोकल है ना, जिनके पास रह रहे, उनको पूछते हैं। ऑब्वियसली ये तो सब क्राउडेड प्लेस है, बट कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा जो कि मस्त होगा, 100% होगा। तो देखते हैं, बात करके अगर हमें वो अलाउ करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे, बताएंगे ना किसी को। काफ़ी टाइम स्पेंड करके फिर हम रात में यहाँ पे पास में रात में रेस्ट किया, और बाकी देखते हैं कल का। कल हम जा रहे हैं रेनबो वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर जगह है। स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।